हेलो आज आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में अभी दो मिनट रुकते हैं हम और लोगों के हमारे को ज्वाइन करने के लिए टाइम um, है इस सेशन का सात बजे से आईएसटी तो मैं अभी यूएस में हूँ यहाँ अभी सुबह के साढ़े नौ बजे हैं और ओ हाय अंकिता आई सी द कमेंट्स कमिंग इन राइट नाउ एंड आई सी पीपल ज्वाइनिंग इज वाउ दिस इज ग्रेट बस एक मिनट और और फिर मैं शुरू करती हूं आज का सेशन दाग दे के बारे में आई सी थिंक जॉइनिंग इन राइट नाउ हाउ इज एवरी वन ज्वाइन कॉमेंट्स में लिख के बताएं कैसे हैं आप कैसे समय गुजार रहे हैं इस क्वारंटीन टाइम में हेलो एवरीवन अच्छा एक ये भी बताएँ शुरू करने से पहले कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और ठीक से आप मुझे देख पा रहे हैं मैं वेट कर रही हूँ कमेंट्स का आ, बस अभी कुछ ही देर में मैं शुरू करती हूँ एक मिनट और कोट <laughs> बाय वासु कह रहे हैं बस लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं बहुत खूब चलिए बढ़िया है आवाज भी ठीक से आ रही है सबको बहुत खूब चलिए तो अभी मेरे ख्याल में और लोग भी जुड़ेंगे यहाँ तो धीरे धीरे शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सबको कि आपने आज कुछ वक्त लिया कुछ वक्त लेके हमारे साथ यहाँ शायरी पसंद लोग बैठे हैं सुनना चाहते हैं दाग दिलवी की शायरी आ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगी दूसरा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी मंजुल पब्लिकेशन हाउस पब्लिशिंग हाउस का सॉरी मंजुल पब्लिशिंग हाउस का जिन्होंने कि ये दास्तान शायरी सीरीज शुरू करी और हम सबको मौका दिया कि हम अपने पसंदीदा शायरों और आर्टिस्ट से रूबरू हो सकें um, मैंने पिछले सारे लाइव सेशन देखे तो उम्मीद है आपने भी देखे होंगे um, और मुझे बहुत मज़ा भी आया देखने में और काफ़ी सारी नई बातें भी मुझे पता चली मेरे कुछ पसंदीदा शायरों के बारे में और नए नए आर्टिस्ट मुझे मिले um, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहे थे um, अपने अपने चुने हुए शायरों के बारे में कुछ पल कुछ एनेक्डोट्स uh, कुछ उनकी शायरी और बस ये उम्मीद है आज कि आपको भी ये सब पसंद आएगा um, तो आज के सेशन में मैं बात करूंगी आपसे दाग देलवी के बारे में जो कि हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और बहुत ही उम्दा गिने हुए शायरों में शामिल हैं um, तो दाग देलवी जो हैं मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी और उनकी शायरी के कुछ चुनिंदा आ, उनकी कुछ चुनिंदा शायरी नज़में तो वो लिखते नहीं थे गज़लें उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती थी आ, तो गज़लें में मैं कुछ सुनाऊंगी उनके कुछ शेर सुनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ अगैन कि सबको पसंद आएगा आ, आ, एक बारी लास्ट टाइम चेक सबको मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ कोई ब्लर नहीं है आवाज़ ठीक से आ रही है प्लीज़ uh, कमेंट्स में बताएं चलिए uh, एक स्पेशल हेलो मेरे सारे फ्रेंड्स को भी जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है आज uh, uh, काफ़ी सारे नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं लोगों के ज्वाइन करते हुए और जब मैं पढ़ रही हूँ तो उस टाइम हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स ना देख पाऊँ Um, तो प्लीज़ लेकिन लिखिएगा आप ज़रूर क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करती रहूँगी ठीक है चलिए तो शुरू हम कहाँ से करें हम बात करते हैं चलिए um, ओ नहीं एक चीज़ एक चीज़ सबसे पहले um, तो उर्दू ज़ुबाँ की मैं शौकीन तो हूँ मुझे बहुत लगाव है इस जुबा से लेकिन मुझे um, अभी भी इस जुबा में एक नौसिखिया ही कहा जाएगा तो अगर तलफ़ में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए आ, तो मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी चाहूँगी और बहुत इंटरेस्टिंग है दाग ने ये खुद ही कहा है कि नहीं खेल ए दाग नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबा आते आते, आते। आ, तो अगर कह इतने नामी गिरामी शायर इतने मशहूर शायर खुद ही कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबा ऐसी है कि उसको समझने में उसके उसमें माहिर बनने में इतना टाइम लग जाता है तो हम तो क्या ही चीज़ हैं उनके सामने आम, तो भूल चूक माफ आम, और खैर उर्दू का ज़िक्र आया है तो मैं ये भी कहूँगी उन्हीं का लिखा हुआ है दाग का ही लिखा हुआ है आम, उर्दू जिसका नाम है उर्दू है जिसका नाम गलत बोल दिया मैंने एक बार दोबारा उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी जुब की है तो ऐसे तो दाग थे कि वो अपनी जुब से इतना प्यार करते थे वो इतने पैशनेट थे उर्दू जुबा के बारे में कि एक अलग ही रंग आ जाता है उसका उनकी पोइट्री में आम, जैसे भी मतलब कोई भी हो जो आपके काम में अगर आपको पैशन होता है ना तो कुछ और ही रंग आ जाता है और यही चीज़ दाग की शायरी के बारे में भी बिल्कुल सटीक बैठती है बिल्कुल ठीक बैठती है आम, तो कुछ उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरा बता दूँ मैं आपको आम, दाग का जो नाम असल में था नवाब मिर्ज़ा खां आम, नवाब मिर्ज़ा खां उनका जन्म पे नाम था और उनका जन्म हुआ था चांदनी चौक में दिल्ली के चांदनी चौक में और बात यह है कि जो उनका जन्म हुआ जिस कूचे में आ, उसका नाम उनकी आ, उनकी याद में फिर उस्ताद सॉरी कूचा उस्ताद दाग रख दिया गया आ, इतने चाहने वाले हैं उनके दिल्ली में आ, कि उनके नाम से ही उनकी गली जिसमें उनका जन्म हुआ था उसका नाम रख दिया गया um, तो उन्होंने तखल्लस ये अपनाया था फिर बाद में शायर के तौर पे दाग दहलवी um, उनके जो फादर थे उनका नाम था नवाब शमसुद्दीन अहमद खां और ये जो थे ये नवाब थे लोहारू और फिरोजपुर झिरखा के um, तो नवाब ज्यादे थे मतलब ये एक तरह से आप कहें कि वो रॉयल्टी टाइप बैकग्राउंड से आए हैं um, अब एक छोटी ट्रेजिडी इनके साथ हुई जब ये चार साल के थे दाग जब चार साल के थे दाग तो इनके जो फादर थे नवाब शमसुद्दीन um, वो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट विलियम फ्रेजर विलियम फ्रेजर जो हैं वो uh, उनसे कुछ अनबन थी इनके फ़ादर की तो उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया और इसकी वजह से uh, जो ब्रिटिश हुकूमत थी uh, अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने उनके पिता को फांसी दे दी फांसी की सज़ा दे दी अब उनकी जो माँ थी दाग की um, वो शी वज़ क्वाइट अ कैच अपेरेंटली तो उनकी शादी फिर उसके बाद हुई मिर्ज़ा फखरू से अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये को, को, मैंने जब ये पढ़ा जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दाग करूँ के बारे में सेशन करूँगी मुझे ये नहीं पता था कि पिछला सेशन जो है वो जफ़र के बारे में होगा बहादुर शाह जफ़र के बारे में तो कल वृंदा वैद ने जो सेशन किया था बहुत ही ज़बरदस्त बहादुर शाह जफ़र के बारे में उसका इस बहादुर शाह जफ़र से इसका एक बहुत डायरेक्ट लिंक है अब वो क्या मिर्ज़ा फख्रु जो कि दाग के नए पिता थे मतलब स्टेफ फादर वो बेटे थे बहादुर शाह जफर के और ये क्या कोइंसिडेंस मतलब तो एक बार ही जब उनकी माँ की शादी हो गई मिर्ज़ा फख्रु से तो दाग को फिर बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन मिली बहादुर शाह जफर के कोर्ट में तो इस तरह से जॉक जो कि एक नामी गिरामी शायर हैं खुद भी ज़ौक जो है वो एक तो बहादुर शाह जफर के भी मेंटर थे और इस तरह से वो दाग के भी मेंटर बने यस अंकिता आई एम सीइंग द कमेंट्स यस आई आई आल्सो वाज टेकन बैक आई वाज लाइक विद दिस इज़ परफेक्ट सेगवे बिकॉज पिछला वाला जो सेशन था वो बहादुर शाह जफर के बारे में था तो, um, तो ये एक इंटरेस्टिंग लिंक बन गया um, तो वो जुड़ गए अब मुगल घराने के साथ रॉयल्टी डबल रॉयल्टी हो गई आम, तो इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त रही और उनकी मेंटरशिप जो क़ के साथ थी वो इतनी ज़बरदस्त रही कि वो बहुत छोटी सी उम्र से ही बहुत ज़बरदस्त शायर बन गए दस साल की उम्र में वो शायरी बड़े आराम से सुनाया करते थे मतलब ऐसे जीनियस थे वो जब वन यू टॉक अबाउट लैंग्वेज या पोट्री के बारे में बात करते हैं शायरी के बारे में बात करते हैं Um, इतनी अच्छी उनको नॉलेज uh, थी इतनी बढ़िया जगह से उनको ये नॉलेज मिली थी um, तो इस तरह से उनकी शायरी की बुनियाद बिछी, थी um, उनका जो तरीका था दाग का जो तरीका था जो उनके लव्स थे जैसे वो लिखते थे um, वो ऐसा लिखते थे कि शाही घरानों से लेकर जो आम आदमी है सभी को उनकी शायरी बहुत पसंद आती थी वो सिंपल लफ्ज़ यूज़ करते थे मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था उनकी शायरी में जो भी लिखते थे वो बड़े आराम से सबको समझ में आता था और मतलब सबको फील होता था कि वो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आ, तो एक तो ये बात थी उनके बारे में दूसरा आ, उनकी जो पहचान बनी वो बनी रोमांटिक पोट्री से और रोमांटिक पोट्री भी ऐसी कि ये सुने एक शेर उनका गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया तमाम रात कयामत का इंतजार किया मतलब छोटे छोटे शब्द कोई ऐसी बड़ी चीज इसमें है नहीं और इतनी सिंपल तरीके से इन्होंने इतनी इतनी दिल को छू लेने वाली बात एक बोल दी अच्छा um, तो सबसे ज़्यादा इनको मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी जाना जाता है गज़लों के लिए तो अब um, ऐसी बहुत सी गज़लें हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें किस तरह की महारत हासिल थी इस uh, कला में um, और एक गज़ल पर्टिकुलरली है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अभी वो कुछ इस तरह है ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा अपने दिल को भी बताऊं ना ठिकाना तेरा अपने दिल को भी ना बताऊं ठिकाना तेरा सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा तू जो एजुल्फ परेशान रहा करती है तू जो एजुल्फ परेशान रहा करती है किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा आरजू ही ना रही सुबह ए वतन की मुझे आरजू ही ना रही सुबह ए वतन की मुझे शाम गुरबत है अजब वक्त सुहाना तेरा ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा बस में दुश्मन से तुझे कौन उठा सकता है बस में दुश्मन से तुझे कौन उठा सकता है एक कयामत का उठाना है उठाना तेरा अपनी आंखों में अभी कौंध गई बिजली सी अपनी आंखों में अभी कौंध गई बिजली सी हम न समझे कि ये आना है कि जाना तेरा दाग को यूं वो मिटाते हैं ये फरमाते हैं दाग को यूं वो मिटाते हैं ये फरमाते हैं तू बदल डाल हु तेरा तो अपने तखल्लुस से भी उन्होंने एक बैर ठान लिया इस वाली गजल में मतलब ऐसे सिंप्लिसिटी में कितना कुछ कह जाते हैं कोई ऐसा वर्ड नहीं है इस पूरे भी गजल में जो मैंने अभी पढ़ी एक्सेप्ट है ये गजल का पूरी गजल नहीं है पर इस अक्सर में आप देखेंगे कोई भी ऐसा लफ्स नहीं है जो कि um, समझना आए किसी आम आदमी को यू uh, नो you know, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चलिए तो um, अब आपने सुना तो होगा और शायरों के भी नाम आपने सुने होंगे जैसे गालिब हैं या मीर हैं या फैज़ हैं इन्हीं सब के साथ नाम दाग का भी जोड़ा जाता है um, ये एक uh, तो मैंने ऐसा पढ़ा है uh, अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ uh, प्लीज़ uh, ये शामिल हैं दाग जो हैं वो शामिल हैं दाबिस्त ए दिल्ली में दाबिस्तान ए दिल्ली जो है वो दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री है बेसिकली उर्दू पोइट्री um, दिल्ली स्कूल में दाग के अलावा वी ऑल्सो है मैंने आपको बताया ये की डिरेक्ट जो एक लिंक था तो जी दाग देवी के बारे में बात हो रही है सॉरी कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ और हाँ जी मैंने एक कॉमेंट अभी पढ़ा लास्ट ऑफ द क्लासिकल टेली पोमेट्स तो एक्चुअली जब इनकी डेथ हुई थी दाग की तो एक बार जो इनके एक शागिर्द थे उन्होंने उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के आखिरी शायर हैं ऐसा उनका दबदबा था ऐसी उनकी पहुंच थी ऐसी उनकी महारत थी कि उन्हें दिल्ली का आखिरी शायर करार दिया गया तो मैं बात कर रही थी दिल्ली स्कूल की तो वो आ, दिल्ली स्कूल एज दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं दिल्ली स्कूल एजेंदा बिस्तर है दिल्ली उर्दू पोट्री का जो स्कूल है तो दिल्ली स्कूल में जैसे मैं बता रही थी आपको आते हैं दाग के अलावा मीर गालिब मोमिन जौक ज़फ़र डायरेक्ट लिंक जौक और ज़फ़र के साथ अठारहवीं और उन्नीसवीं जो सदियाँ थीं उनमें जो गज़ल का फॉर्मेट है जो मीडियम है उसके बारे में सबसे ज़्यादा काम हुआ तो गज़ल को दुरुस्त किया गया और उसको दुरुस्त बनाने के लिए यही सारे शायर जो थे ये सब आ, उस फॉर्म को बेटर बनाने में लगे हुए थे आ, और उसमें काफ़ी ऊपर नाम दाग का भी आता है मैंने कहीं पढ़ा एक्चुअली कहीं सुना कि इनके अपने मतलब दाग के जो अपने शागिर थे करीब दो हज़ार शागिर थे इनके मतलब इतने लोग इनके पास आके पोइट्री सीखना चाहते थे शायरी सीखना चाहते थे कि दो हज़ार लोग इनके अंडर मतलब स्टरी वॉज द बेटर फॉर ऑल दम तो अब उस टाइम जो उन्नीसवीं और उन्नीसवीं सदी की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम ये दो गजल के uh, बहुत सेंटर uh, माने जाते थे दिल्ली और लखनऊ तो so, एक दबिस्तान था दिल्ली में और एक था लखनऊ वाला तो दिल्ली और लखनऊ वाले में जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे फ़र्क ये लगता है कि जो लखनवी अंदाज है वो आ, उसमें ना जो ऊपरी सुंदरता होती है एक आ, एक खूबसूरती होती है आ, फॉर्म की उस पर और स्टाइल पे थोड़ा ज़्यादा एक आ, माने एम्फेसिस था तो और दूसरा जो दिल्ली वाला था उसमें वो आ, ऐसा होता था कि कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा जोर होता था स्टाइल तो, तो खैर था ही था लेकिन कंटेंट पे भी वो काफ़ी वो रखते थे जैसे गालिब हैं उनके तो मतलब क्या लिखते थे आ, बहुत ही ज़बरदस्त तो ये तो एक छोटा सा पीछे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का पार्ट है तो थोड़ा सा हिस्ट्री मैं और बता दूँ तो क्या हुआ था कि दिल्ली वॉज इन टर्म बहुत दिल्ली में आ, एक खराब हालत चल रही थी अठारह सौ के आसपास 1856 के आसपास दिल्ली में काफ़ी सारे लोग आ रहे थे जो रेड जो रही थी मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट रूलर्स आके वहाँ पे आ, राज करना चाहते थे तो डिस्ट्रक्शन था सब तरफ एक इनसिक्योरिटी थी फ़ाइनेशली भी इनसिक्योरिटी थी और इवन फ़िज़िकली भी इनसिक्योरिटी थी वहाँ के रहने वालों के लिए दिल्ली के रहने वालों के लिए तो उस टाइम वहाँ से काफ़ी सारे लोग चले भी गए दिल्ली से और उनमें से एक 1856 सौ छप्पन में जब मिर्ज़ा फखरू की डेथ हो गई तो दाग भी अपनी माँ के साथ उनमें से शामिल थे उन लोगों में शामिल थे जो कि दिल्ली को छोड़ चले गए तो दिल्ली को जब वो छोड़ के गए दिल्ली तो उनकी जान थी दाग दहलवी उनको कहा जाता है दिल्ली से उन्हें बहुत लगाव था और इवन तो वो दिल्ली से चले भी गए थे अठारह में उनको फिर भी दहलवी कहा जाता है क्योंकि वो आते वहीं से हैं और उनका जो बैकग्राउंड है उनका बेसिकली जो दिल है वो दिल्ली में ही था तो दिल्ली को छोड़ते हुए उन्होंने कुछ कहा था जो मैं आपको बताना चाहूँगी गज़ब में आई खुदाई गज़ब में आई खुदाई बला में शहर आया गज़ब में आई खुदाई बला में शहर आया ये पुरबिए नहीं आए खुदा का कहर आया तो पुरबिये वो थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे जंग मतलब तो दिल टूटा होगा उनका जरूर दिल्ली छोड़ते हुए ये बात तो तय है um, तो इसके बाद चौबीस बरस के लिए वो रामपुर में रहे वहां के नवाब ने उनको शह दे दी और वो रामपुर शिफ्ट हो गए और वहाँ रहे चौबीस साल तो अपने आखिरी सालों में वो आ, जो थे वो रामपुर के रामपुर में कुछ ऐसे हालात हुए कि उसके बाद फिर उन्हें निकलना पड़ा वहाँ से और अपने उम्र के आखिरी साल उन्होंने हैदराबाद में गुजारे um, तो जो नवाब थे वहाँ के वो बहुत खुश थे इनफैक्ट uh, वो मेंटर भी थे हैदराबाद के नवाब के um, तो अच्छा अब मैंने आपको बताया था जैसे वो रोमांटिक पोट्री जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है तो इसके पीछे क्या वजह है um, किससे किससे इश्क करते थे दाद जिसकी वजह से उनकी रोमांटिक पोट्री इतनी मशहूर हुई उसमें इतना रंग आया इतना दर्द आया चलिए एक गजल सुनते हैं पहले तुम्हारे खत में नया एक सलाम किस का था ना था रकीब तो आखिर वो नाम किस का था वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है ये काम किसका था वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा मुकीम कौन हुआ मकाम किसका था तो मुकीम का मतलब होता है एक ठहरा हुआ मुसाफिर इस इस कॉन्टेक्स्ट में तो शेर एक बार फिर पढ़ती हूँ रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा मुकीम कौन हुआ है मुकाम किसका था आगे है ना पूछ गच पूछ गच्छ माने यू नो यू आस्क इंक्वायरी की सब ठीक ठाक है ना पूछ गछ थी किसी की वहां ना आओ भगत ना पूछ गछ थी किसी की वहां ना आओ भगत तुम्हारी बज्म में कल एहतमाम किसका था माने एक महफिल या एक मीटिंग आ, और एहतमाम माने सेटअप इंतजाम या व्यवस्था तो शेर है ना पूछ गच्छ थी किसी की वहां ना आओ भगत तुम्हारी बज्म में कल एहतमाम किस का था तमाम बज्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक तमाम बज्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक कहो वो तस्करा ए ना तमाम किसका था तस्करा ए ना तमाम मीन्स इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन तमाम बज्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक कहो वो तस्करा ए ना तमाम किस कथा था हमारे खत के तो पुरजे किए पढ़ा भी नहीं हमारे खत के तो पुरजे किए पढ़ा भी नहीं सुना जो तूने बदल वो प्याम किसका था उठाई क्यों ना कयामत अधू के कूचे में अधू एज एन एन एनिमी राइवल और दुश्मन उठाई क्यों ना कयामत अधू के कूचे में उठाई क्यों ना कयामत अधू के कूचे में लिहाज आपको वक्त खिराम किसका था Like uh, um, तो किससे कहूं गुजर गया वो जमाना कहू तो किससे से ख़याल दिल को मेरे सुबह शाम किस का था हमें तो हजरत वाइज की ने पिलवाई हमें ये थोड़ा प्लेफुल वाला है um, हमें तो हजरत वाइज की पिलवाई हजरत वाइज एज एन दीचर यहां इरादा एशरब मुदाम किस का था तो इरादा ए शरब मुदाम इज एन इंटेंशन टू ऑलवेज ड्रिंक टुगेदर सो थोड़ा सा इज लाइक कि हाँ उसकी वजह से हमें तो हजरत वाइज की जिदने पिलवाई यहां इरादा एशब यहाँ इरादा ए शरब मुदाम किसका था? था अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे तबाह हाल बहुत जेरबाम किस का था जेरबाम एज एन रूफ। वो कौन था कि तुम्हें जिसने बेवफा जाना वो कौन था कि जिसने तुम्हें बेवफ़ा जाना ख्याल खाम ये सौदा खाम किसका का था ख्याल खाम इज़ क्रूड uh, um, और सिली आइडियाज़ और सौदा खाम इज रॉ मटेरियल आगे है इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर इन्हीं सिफात एज इन क्वालिटीज गुण। इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर जो लुत्फ आम वो करते हैं ये नाम किसका था हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था अब मुझे ये बताइए आप कि हार्ट ब्रेक जब होता है तो शायर जो है वो इतना निखर क्यों जाता है उस हार्ट ब्रेक के बाद <laughs> कुछ इंटरेस्टिंग सा चेंज आ जाता है थिंकिंग में कुछ इंटरेस्टिंग सा चेंज आ जाता है आर्ट में अब तलफ मैंने बोला ना आपसे थोड़ा सा गड़बड़ होगा जरूर तो आप प्लीज मेरी भूल चूक उसमें माफ कर दें मैंने एक कमेंट देखा अभी थैंक यू uh, मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ठीक से बोलूँ um, तो खैर um, क्यों क्यों उनकी शायरी में ऐसा रोमांटिक ट्विस्ट है um, तो वो रोमांटिक ट्विस्ट जो है वो uh, ऐसे है कि दाग की जिंदगी में थी एक uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी सॉरी मैं एक सेकेंड ये कॉमेंट्स देख रही हूँ जी तो हाँ तो खैर दाग की जिंदगी में जो उनकी सबसे बड़ी म्यूज थी वो थी मुन्नी बाई बिल्कुल टिपिकल जो का होता है ना उनकी मुलाकात मुन्नी बाई से जो हुई वो हुई रामपुर के एक सालाना मेले में जो कि वहाँ के नवाब ने ऑर्गेनाइज़ किया था अरेंज किया था तो ये लोग मिले दोनों मेले में और मेले में वो आई थी कलकत्ता से तो बहुत दूर से आई थी कलकत्ता से रामपुर आई थी वो मेले के लिए और जो ही दाग ने उनको देखा आम, बस हो गया इश्क वहीं पर आम, और मुन्नी बाई को भी वो बहुत पसंद आए तो इस इश्क में खूबी ये थी कि जो मुन्नी बाई थी वो भी लिखती थी मुन्नी बाई लिखती थी हिजाब के तखल से और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे खत भी लिखे तो दाग ने इसी इश्क के सिलसिले में ये भी लिखा है इश्क नेमत है आदमी के लिए इश्क जन्नत है आदमी के लिए इश्क नेमत है आदमी के लिए इश्क जन्नत है आदमी के लिए दिल इसी से जवान रहता है मरमिटों का निशा रहता है इश्क ईमा है खुदा रखे इश्क ईमा है खुदा रखे ये मेरी जान है खुदा रखे तो इश्क परवान चढ़ा लेकिन रामपुर का मेला जब खत्म हुआ तो उस मेले के बाद आ, मुन्नी को वापस कलकत्ता जाना पड़ा अब जब वो कलकत्ता चली गई और दाग को छोड़ गईं तो दाग ऐसे शायर बन गए कि बस रोमांटिक पोएट्री जो है वो उनका फोटे हो गया उसके बाद वो लिखना भी वही पसंद करते थे इश्क में जो शायरी लिखते थे वो वही ज़्यादा लिखना पसंद करते थे तो खत के थ्रू वो लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली एक रिलेशनशिप में थे मुन्नी भाई के मुन्नी भाई के साथ uh, मुन्नी के जाने पर जब मुन्नी रामपुर से चली गई उन्हें छोड़ के uh, तो उन्होंने लिखा दाग ने लिखा आ गई हिजर की घड़ी सर पर आ गई हिजर की घड़ी सर पर ये बला झेलनी पड़ी सर पर Um, तो फील तो उन्हें काफ़ी बहुत uh, सैड हो रहा होगा उस टाइम लेकिन एक अलग ही नया uh, उसमें uh, रूप आ गया उनकी शायरी में uh, इस इस uh, uh, मुलाकात के बाद आपका ये लाइव आई जी टी वी में जाएगा जी बिल्कुल आई जी टी वी में जाएगा मैं आ, मैं जो ही इसे ख़त्म करूँगी इस सेशन को मैं आ, इसे अपलोड कर दूँगी तो आप बाद में भी इसे आराम से देख सकते हैं चलिए तो जो शायर बेसिकली होते हैं टूटे दिलों वाले इश्क की आग में सुलगने वाले झुलसने वाले बेहतर बन जाते हैं एक कसक सी आ जाती है उनके लफ्जों में तो ये कसक थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि मुन्नी बाई जो है उन्होंने किसी और से शादी कर ली मतलब हार्ट ब्रेक के ऊपर हार्ट ब्रेक जो है वो दाग के लाइफ में चलता रहा आम, अब उन्होंने इतना इंतज़ार किया था मुन्नी बाई का उनकी शादी के बाद भी वो उनका इंतजार करते रहे Um, उनका प्याला मतलब कभी पूरा भरा ही नहीं तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए थोड़े से शेर और पढ़ूँ उनके दाग के um, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे नोट्स ज़रा देख ली मैं मैंने बड़े अच्छे से नोट्स बनाए हैं इस वाले लाइव सेशन के लिए um, इस नहीं का कोई इलाज नहीं इस नहीं का कोई इलाज नहीं रोज कहते हैं आप आज नहीं कल जो था आज वो मिजाज नहीं कल जो था आज वो मिजाज नहीं इस तलवन का कुछ इलाज नहीं तलवन माने जैसे रंग बदलना जैसे कभी कुछ कभी कुछ थाली का बैंगन बेसिकली um, आईना देखते ही इतराए आईना देखते ही इतराए फिर ये क्या है अगर मिजाज नहीं ले के दिल रख लो काम आएगा ले के दिल रख लो काम आएगा वो अभी तुमको एहतियाज नहीं एहतियाज माने Um, a want. Uh, सो so लाइक like, अभी नहीं चाहिए तुमको um, पर बाद में काम आएगा इसलिए मेरा दिल रख लो हो सके हो सके हम मिजाज दान क्यों कर uh, मिजाज दान एज इन लाइक अक्वेंटेड विद हैबिट्स सो लाइक जानते हैं उनका टेम्परमेंट जानते हैं um, हो सके हम मिजाज दान क्यों कर हमको मिलता तेरा मिजाज नहीं दिल लगी कीजिए रकीबों से दिल लगी कीजिए रकीबों से इस तरह का मेरा मिजाज नहीं हूर से पूछता हूं जन्नत में हूर से पूछता हूं जन्नत में इस जगह क्या बुतों का राज नहीं सब्र भी दिल को दाग दे लेंगे सब्र भी दिल को दाग दे लेंगे अभी कुछ इसकी एहतियाज नहीं मूड कुछ डिफरेंट है इस वाली आ, आ, रचना का कुछ अलग मिजाज थे शायर के जब उन्होंने ये लिखा तो एक और शेर है तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता वो शीशा हो नहीं सकता ये पत्थर हो नहीं सकता एक और पढ़ते हैं हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं तो कुछ ऐसा लिखते थे दाग um, मतलब हम आज भी पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसे समझ सकते हैं हम ये भी समझ सकते हैं कि शायर के जहन में क्या चल रहा है um, तो ये तो इनके कुछ शेर थे चुनिंदा शेर मैंने आपको बताया ना कि इनके करीब 2000 हज़ार थे तो उन 2000 हज़ार में इनके शागिर्दों में शामिल कुछ ये नाम भी थे अलामा इकबाल जिगर मुरादाबादी बेखुद बदायूनी बेखुद जहलवी तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो इनके बाद भी आए वो आ, उन्होंने बेनिफिट किया इनकी मैंटरशिप से तो इनकी जो लेगेसी है वो केवल इनकी अपनी शायरी नहीं है इनकी लेगेसी में बहुत सारे और भी शायर आते हैं जो कि um, इनसे सीखे इनके साथ थोड़ा पढ़े शागिद माने स्टूडेंट्स um, स्टूडेंट्स जो लाइक मेंटर uh, और मेंटी का जो रिलेशनशिप होता है इन्होंने सिखाया बहुत सारे शायरों को um, तो एक तो ये बात है दूसरा इनकी लेगेसी की अगर बात की जाए तो लेगेसी में उनके ये भी है कि हमारे कितने बड़े बड़े नामी गिरामी लजेंडरी सिंगर्स जो हैं उन्होंने इनकी गज़लें गाई हैं अब जैसे आप देख लें जगजीत सिंह ने नूर जहां ग़ुलाम अली मलिका पुखराज मेहदी हसन अबीदा परवीन फरीदा खानम और इनके जैसे काफ़ी सारे और भी लोग सब ने इनकी गज़लें गाई हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गालिब के भी कंटेम्प्रेरी थे तो गालिब जो है एक्चुअली उनका रिलेशनशिप भी था उनकी फ़ैमिली के साथ एक उसकी डिटेल्स तो मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो थी ना गालिब की और दाग की उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी लगी रहती थी थोड़ा सा उनके बीच में टेंशन था लेकिन ये दो शायर जो थे ये दोनों एक दूसरे से इतना मतलब Um, बहुत रिस्पेक्ट देते थे एक दूसरे को और वो एक दूसरे से मशवरा भी करते थे गज़ल के बारे में um, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका रिलेशनशिप था गालिब के साथ um, तो अगर आप वैसे गजल के शौकीन हैं तो आपने इनकी कोई ना कोई गजल ज़रूर सुनी होगी um, तो वो दाग जो है, वो गुजर गए 1905 में चौहत्तर बरस की उम्र में और उस टाइम वो हैदराबाद में थे उनके जाने के बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक बार फिर बताऊँ आपको इकबाल ने उनके जाने के बाद जो कि उनके शायर थे उन्होंने उनके जाने के बाद कहा कि ये दिल्ली के आखिरी शायर थे और ये था एक गज़ब का टाइटल एक गज़ब के शायर के, के लिए चलिए मैं कुछ और शेयर पढ़ती हूँ यहाँ उससे पहले एक मिनट हाँ तो वेरी नाइस थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट्स में लिखा है गालिब वाज़ द सन इन लॉ ऑफ द लोहारू नवाब्स ओ तो बहुत मतलब क्लोज रिलेशनशिप था उनकी फैमिलीज में ओके ठीक um, okay, है तो मैं कुछ और शेयर पढ़ती हूँ अभी आपके लिए um, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है सेशन अगर आ रहा है तो प्लीज कुछ इमोटिकॉन बना के कुछ बताइए आपको ठीक लग रहा है या नहीं चलिए तो मैं थोड़ा सा और पढ़ती हूँ मिलाते हो उसी को खाक में मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है मेरी जहा चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है ये एक शेर था अभी और भी पढ़ती हूं आईना देख के वाले आईना कहते हैं, सवरने वाले।, देख के, कहते हैं सवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले चलिए बहुत खूब आप सबको पसंद आ रहा है मैं थोड़ा सा और पढ़ती हूं चलिए फिर हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना जो प्लेफुल मतलब मूड में ना थोड़ा सा तो वो वाली शायरी भी इनकी काफी अच्छी है इंटरेस्टिंग है सब लोग जिधर <coughs> सॉरी सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं आ, ये मेरा एक फेवरेट शेर है जो मैंने अभी पढ़ा <laughs> आ, एक और पढ़ते हैं खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं एक दो और शेर है मेरे पास जो मैं पढ़ना चाहूंगी अभी लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से इलाही ये घटा दो दिन तो बरसे <laughs> तो अगेन प्लेफुल वाला जो उनका मिजाज है ना वो कुछ और ही मतलब जबरदस्त तरीके से कह जाते हैं बातें कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत मेरी कहने देती नहीं मुंह से कुछ मुंह से मोहब्बत मेरी लब पर रह जाती है आ आ के शिकायत मेरी देखे अभी कितना टाइम हुआ हमें यहाँ अच्छा तो अभी आ, ये तो सारा था जो मेरे पास था आज आपके साथ शेयर करने के लिए आ, तो एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का कि आप इस शाम मेरे साथ जुड़े कुछ देर के लिए कुछ वक्त बिताने के लिए आ, और अगेन मंजुल पब्लिशिंग हाउस को बहुत तहे दिल से शुक्रिया आ, कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ये ज़बरदस्त दास्तान शायरी की अपॉर्चुनिटी हम सबको दी कि हम अपने पसंदीदा शायरों को रिविज़िट कर सकें चलिए तो स्टे होम स्टे सेफ़ एंड बी वेल और जाते जाते एक आखिरी शेर दाग का जिसमें वो एक तरह से अपनी ही बायोग्राफी की दो लाइन लिख के चले गए क्या पूछते हो कौन है ये किसकी है शोहरत क्या पूछते हो कौन है ये किसकी है शोहरत क्या तुमने कभी दाग का दीवा नहीं देखा तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और चलिए बाय